हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले गाइस, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ द इनविजिबल चेयर ट्रिक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो को बनाने के लिए आपका जो मेन ट्रिक है गाइस, वो शूटिंग। गाइस, आपको अपने मोबाइल को एक जगह पर रख देना है और उसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना है जब तक आपका दो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो जाए। फर्स्ट वीडियो आपको कुछ इस प्रकार से शूट करना गाइस, हम आपको प्ले करके दिखा देते हैं। आपको अपने चेयर पर बैठ जाना है और कुछ इस प्रकार से एक्टिंग करना गाइस। सेकेंड वाले वीडियो में आपको कुछ इस प्रकार से आना है, आपको आप ड्रेस भी चेंज कर सकते हैं और कुछ इस प्रकार से एक्टिंग करना है। और आपको ध्यान देना है कि आप चेयर सेकेंड वाले वीडियो में हटाएं। अब गाइस, आपको अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है और आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको 9:16 को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आप जिस वीडियो को शूट किए हैं पहला वीडियो, उसको यहाँ पर ऐड करना है। तो उसके लिए आपको मीडिया पर जाना है और उस वाले वीडियो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए फटाफट हम उस वाले वीडियो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ये मेरा पहला वीडियो था, इसको यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लिए हैं। अब सिलेक्ट करने के बाद देखिए, आपको वीडियो के स्टार्टिंग पे आ जाना गाइस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका बैकग्राउंड को कलर करेंगे, ठीक है गाइस। तो उसके लिए आप क्या करना है, आपको लेयर वाले पे क्लिक करना है और आपको सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है हैंड राइटिंग, उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आपको देखिए राइट साइड में आपको देखिए कलर का ऑप्शन शो कर रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। और ये देखिए, आप जिस कलर का आपका चेयर है उस कलर का आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप जो ग्रीन कलर है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपने टेबल का कलर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं गाइस। और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इस वाले पे क्लिक करना है और एक फ्रेम आपका जो है स्क्वायर वाला, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे पेंट करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको पेंट करना है, फटाफट आप कर लीजिए पेंट। तो देखते रहिए गाइस, हम यहाँ पे पेंट करके आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से आपको पेंट करना है, ठीक है। अब इस तरह से आपको करना है और इतना करने के बाद आपको अगर क्लोज करना है पेंटिंग, तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है गाइस और आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और इसका जो है यहाँ पे बड़ा करते हुए आपको कुछ इस प्रकार से करना है, ठीक है। आप जब यहाँ पे कुर्सी के पास करने लगेंगे, और चलिए फटाफट हम इस वाले को कर करके आपको दिखाते हैं कि आपको किस प्रकार से करना है, ठीक है। आपको अपने वीडियो को कुछ इस प्रकार से पेंट करना गाइस, अच्छे से करना है। अगर आपको पेंट करने में दिक्कत आएगा गाइस, तो आप इसको टैप करके आप इसको बड़ा करके पेंट कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। अब चलिए आपको क्या करना है, अब आपको अपने लेयर वाले पे क्लिक करना है और इसको एक्सटेंड करते हुए इसको लास्ट तक कर देना है, ठीक है। और लास्ट तक करने के बाद आपका देखिए फर्स्ट पार्ट वीडियो का बन के रेडी हो गया। अब आपको क्या करना है, शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसको फुल HD में यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपने काइन मास्टर के होम स्क्रीन पर आ जाना है गाइस, और फिर से एक न्यू प्रोजेक्ट का आपको क्रिएट करना है। तो इसके लिए आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और फिर से आपको 9:16 को सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद आप जिस वीडियो को सेकेंड वीडियो को जो आप शूट किए थे उसको यहाँ पे ऐड करना है। तो उसके लिए आपको मीडिया पे जाना गाइस और वो वाले वीडियो को यहाँ पे ऐड कर देना है। तो चलिए हम उस वाले वीडियो को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ये वाला देखिए, ये मेरा सेकेंड वीडियो था। और इसके बाद आपको क्या करना है, अभी जो आप जिस वीडियो को एक्सपोर्ट किए थे उस वीडियो को भी यहाँ पर ऐड करना है। तो आपको यहाँ पर लेयर पर करना है, तो इसके लिए आपको लेयर वाले पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है और आप जिस वीडियो को अभी एक्सपोर्ट किए थे उसको यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे आपका एक्सपोर्ट हो गया। उसके बाद आपको अपने लेयर वाले वीडियो पे क्लिक करना है गाइस, ठीक है। और इसको कैंची के बगल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसको फुल स्क्रीन कर देना है, ठीक है। उसके बाद ओके करना है गाइस। और आपको क्या करना है, उसके बाद अपने लेयर वाले वीडियो पर क्लिक करना है, स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, क्रोमा की का ऑप्शन आपको शो करेगा, उसको आपको एनेबल करना है, ठीक है। और अनेबल करने के बाद आपको इसको एडजस्ट कर लेना है। तो चलिए फटाफट हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं गाइस। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और एडजस्ट करने के बाद आपको ओके करना है गाइस। और आपको हम प्ले करके दिखा देते हैं, ये वीडियो बन के बिल्कुल रेडी हो गया। एक बार आपको प्ले कर देते हैं, ये देखिए, ये वीडियो कुछ इस प्रकार से बन के रेडी हो जाएगा गाइस। और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग गाइस और टिकटॉक पे वायरल होने का चांस काफ़ी ज़्यादा है गाइस। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है गाइस, अब आपको इस पे सॉन्ग लगाना है। तो सॉन्ग लगाने के लिए आपको क्या करना है, आपको लेयर वाले पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है और आपको अपने मनपसंद का जो ट्रेंडिंग सॉन्ग है गाइस, उसको यहाँ पे लगा देना गाइस। तो चलिए फटाफट हम एक वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, इस वाली वीडियो को। उसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है, ठीक है। और इस वाली वीडियो को डिलीट करना है। ये देखिए, आपका साउंड नीचे बन के रेडी हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसको फुल HD में इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देना है।
गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया गाइस तो इसको प्लीज़ लाइक करें गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव ए नाइस डे.